get on together. स्वागत है, मैं हूँ श्रेया शर्मा। ये बॉलीवुड की खबरें देखते हैं फटाफट। क्या प्रेग्नेंट है प्रियंका? हाल ही में प्रियंका की एक फोटो सामने आई है जिसमें उनका बेबी बंप नजर आ रहा है। इससे जाहिर हो रहा है कि प्रियंका जल्द ही एक बेबी की मॉम बनने वाली है और वो बेबी निक जोन्स का हो सकता है। फैंस का कहना है कि उस विदेशी सिंगर ने प्रियंका को प्रेग्नेंट कर दिया है, इसी वजह से दोनों की शादी की खबरें भी आ रही है। अमिताभ से बदला लेंगे शाहरुख। शाहरुख खान की कंपनी रेड चिली एंटरटेनमेंट ने अमिताभ बच्चन की फिल्म बदला को प्रोड्यूस करने का निर्णय लिया है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन लीड रोल में हैं। फिल्म की शूटिंग हाल ही में तापसी पन्नू के साथ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू हो गई है। जालंधर कोर्ट में पेश होंगे सलमान। एक केस में जालंधर की अदालत ने सलमान खान को समन जारी कर 12 जुलाई को तलब किया है। एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के संचालक ने यह याचिका फिल्म टाइगर के एक डायलॉग पर आपत्ति जताते हुए दायर की है। आरोप है कि सलमान ने फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान धार्मिक गुरु के खिलाफ अपशब्द बोले थे। वेब सीरीज में मनोज वाजपेयी। मनोज वाजपेयी वेब सीरीज द फैमिली मैन को लेकर एक्साइटेड है। उनका कहना है कि ये शो रोजमर्रा के उन नायकों को समर्पित है जिनका बलिदान अनसुना रह जाता है। अमेजन प्राइम वीडियो पर ये शो 2019 में हिंदी, तमिल और तेलुगु में लॉन्च होगा। नए घर में शिफ्ट हुई आलिया। आलिया भट्ट अपनी बहन शाहीन भट्ट को लेकर अपने नए घर में शिफ्ट हो गई हैं। आलिया के नए घर को इंटीरियर डिजाइनर ऋचा ने डेकोरेट किया है। ऋचा बहुत ही अच्छी डिजाइनर है और वो डायरेक्टर विकास बहल की पत्नी है। प्रियंका बनी दूसरी महंगी एक्ट्रेस। दीपिका के बाद प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की दूसरी सबसे महंगी एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार हो गई हैं। प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म भारत में काम करने के लिए 12 करोड़ की फीस वसूली है। पद्मावत के लिए इतनी ही फीस दीपिका पादुकोण ने भी वसूली थी। एक विलन 2 की कहानी शुरू। एक विलन के सीक्वल का नाम फिलहाल एक विलन 2 रखा गया है। इसके लिए एकता कपूर ने फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए कुछ लेखकों को हायर किया है। पहली फिल्म के लीड डायरेक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा थे। एकता इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहती। कॉमेडियन दिखाएंगे स्टंट। रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी में कॉमेडियन भारती सिंह अपने पति हर्ष के साथ नजर आएंगी। ये वही भारती सिंह है जिन्होंने कॉमेडी सर्कस, कॉमेडी नाइट बचाओ, कॉमेडी नाइट विद कपिल जैसे रियलिटी शो में लोगों को खूब हंसाया है। शिल्पा के बेटे की पर्दे पर वापसी। आकाश ददलानी जल्द ही पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। आकाश नए सॉन्ग बैंग बैंग के जरिए वापसी कर रहे हैं। आकाश ने लिखा, शिल्पा शिंदे के साथ उन्होंने बहुत अच्छा वक्त बिताया है। आकाश ने शिल्पा को उनकी बिग बॉस मम्मी भी कहा था। बॉलीवुड में नाम कमा रही समीक्षा। फिल्म बलाड ऑफ रुस्तम में अपने अभिनय का जलवा दिखाने वाली समीक्षा भट्ट ने हॉरर फिल्म द पास में दर्शकों को खूब डराया। समीक्षा लव लेटर्स, पापा, वैलेंटाइन जैसी शॉर्ट फिल्मों में अपनी अदाकारी के अलग अलग रंग दिखा चुकी हैं। बिग बॉस में पॉन्ड स्टार की एंट्री। रियलिटी टीवी शो बिग बॉस फिर वापसी करने जा रहा है। पॉन्ड स्टार शांति डायनामाइट सीजन 12 में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ सकती हैं। शांति का जन्म युगांडा में हुआ और वो टॉप 50 सेक्सिएस्ट वुमेन ऑफ एशिया की लिस्ट में आ चुकी हैं। आदत से डेब्यू करेंगी नताशा। नताशा सूरी फिल्म आदत से बॉलीवुड में भी डेब्यू कर रही है। फिल्म के निर्माता गायक मीका सिंह हैं। फिल्म की स्क्रिप्ट विक्रम भट्ट ने लिखी है। इसके डायरेक्टर भूषण पटेल हैं। आदत की शूटिंग लंदन में होगी। पलटन में दीपिका कक्कड़। फिल्म पलटन के साथ बॉलीवुड में अपने सफर की शुरुआत के लिए तैयार दीपिका कक्कड़ का कहना है कि जेपी दत्ता द्वारा डायरेक्टेड फिल्म में काम करने का मौका मिलना मेरे लिए एक सौभाग्य और सम्मान की बात है। क्रिकेटर के साथ सेक्स करेंगी टीवी एक्ट्रेस। महिका ने शाहिद को लेकर कहा, मैं शाहिद को तब से पसंद करती हूँ जब वो 13 साल के थे। उन्होंने कहा, शाहिद को लेकर मेरी दीवानगी इस कदर बढ़ चुकी है कि मैं उनके साथ सेक्स करने के लिए भी तैयार हूँ। जैकलीन के घर की इनसाइड तस्वीरें। जैकलीन फर्नांडिस ने हाल ही में अपने घर के इंटीरियर में कुछ बदलाव किए हैं। उनके घर की इंटीरियर डिजाइनर शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान है। गौरी ने जैकलीन के अपार्टमेंट के लुक को काफी बदल दिया है और घर को पहले से काफी लग्जरियस बना दिया है। मेड इन चाइना राजकुमार राव। फिल्म मेड इन चाइना में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता एक्टर राजकुमार राव अभिनव करेंगे। मुसाले की फिल्म रॉन्ग साइड राजू को गुजराती भाषा में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। मुसाले मैडॉक फिल्म्स निर्माण से बॉलीवुड में पदार्पण कर रहे हैं। इसकी शूटिंग अहमदाबाद और चीन में होगी। फिल्मों में नहीं आना चाहती सगुन।
तापसी ने कहा, शगुन का कभी फिल्मों की तरफ इंटरेस्ट नहीं रहा, वो कभी मेरे सेट पर आना पसंद नहीं करती, वो रियलिटी में कैमरा लवर शख्स नहीं है और उसकी फिल्मों में आने की कोई प्लानिंग नहीं है। फिर हॉस्पिटल में बिपाशा। बिपाशा को सांस संबंधी तकलीफ की वजह से मुंबई के हिंदुजा हेल्थ केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बिपाशा को अब तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। उन्होंने अपनी एक फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ये तब होता है जब एक छोटी बहन की ड्यूटी हॉस्पिटल में लगी हो। मायापुरी न्यूज रील में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे इसी समय, देखते रहिए मायापुरी कट।